आटा उसलने की बड़ी से बड़ी मशीनें फेल हैं इस मेथड के आगे, या फिर आटा उसलना आपको यूं भी बोर लगता हो तो भी ये मेथड आपके बहुत काम की है। हाथों में मेहंदी लगी है, नाखून लंबे हैं या आपने नेल पेंट लगाया है तो भी आपके लिए ये मेथड बहुत यूज़फुल है। और जिनको आटा उसलना नहीं आता है उनके लिए तो है ही ये यूज़फुल। तो इसके लिए हम लेंगे पॉलीथिन। बस ये ध्यान रखिए कि पॉलीथिन फटी ना हो, और साथ ही लेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार आटा और नमक, और इसको डाल देंगे आप पॉलीथिन में। मैंने यहाँ एक साथ पूरा पानी डाल दिया है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार या अपने नाप के अनुसार इसमें पानी डालिए और इसको बड़े आराम से मिक्स करते जाइए। मिक्स कैसे करेंगे? पॉलीथिन का मुंह एक हाथ से ऊपर से पकड़ लेंगे और दूसरे हाथ से इसको सपोर्ट करते हुए मिक्स करते जाएंगे। बस इसी तरह आप इसको मिक्स करते जाएंगे और आप देखेंगे जादुई ढंग से आपका आटा उसना गया है। ये देखिए काफ़ी अच्छा आटा यहाँ उसन गया है। अब आप इसको मसलना चाहते हैं तो ऐसे ही इसको इसी मेथड से मसलते जाएं। और यदि आपको लगता है कि अभी आपको रोटियां नहीं बनानी हैं तो आप इस आटे को वापस पॉलीथिन में रख दीजिए। आटा अभी फूलता रहेगा और सूखेगा भी नहीं पॉलीथिन के अंदर। ये देखिए यहाँ कितना प्यारा आटा आपका उसन चुका है। अब जब आपकी इच्छा हो आप रोटियां बनाइए।